एक बार की बात है, एक गांव में मीनल नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ छोटे से घर में रहती थी। मीनल के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उसके बाबूजी खेतीबाड़ी का काम किया करते थे और माँ घर के काम संभालती थी। एक दिन मीनल के कॉलेज में अनाउंसमेंट होती है कि उनके स्कूल में साइकिल रेस है, सभी उसमें हिस्सा लेते हैं और मीनल का भी बड़ा मन होता है कि वो भी इसमें हिस्सा ले, पर उसके पास तो साइकिल ही नहीं होती। वो घर जाकर अपने माँ बाप से साइकिल की जिद करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते जो वो मीनल को साइकिल दिला सके। मुझे इस रेस में हिस्सा लेना ही है और जीतना भी है, मैं साइकिल का इंतजाम कैसे भी कर ही लूंगी। मीना अब छुट्टी के बाद घर के लिए निकलती है, पर रास्ते में वो कहीं और मुड़ जाती है। मीनल के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि उसे कैसे भी एक साइकिल का जुगाड़ करना है। वो पूरे रास्ते यहाँ वहाँ दूसरों की साइकिल पर नजर मारती चलती है। साइकिल के चक्कर में वो इतना पागल हो चुकी होती है कि उसे सही और गलत कुछ नहीं दिखता। रास्ते में उसे एक घर के बाहर एक साइकिल बंधी दिखती है। मीनल उस घर के पास जाकर इधर उधर देखने लगती है कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। आवाज सुनकर अंदर से एक बूढ़ी औरत भी बाहर आ जाती है। अरे बेटी, क्या हुआ? अब कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर ही रही थी तो थक कर इधर ही खड़ी हो गई। वैसे क्या इस घर में बस आप ही लोग रहते हो? हाँ, बस हम दो ही हैं। तो ये साइकिल कौन चलाता है? ये मेरे बेटे की साइकिल है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो बस उसकी ये निशानी हमने संभाल कर रखी हुई है। ओह अच्छा, तो ये बात है। खैर चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है और माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मीनल उस वक्त तो वहाँ से चली जाती है, पर वो बड़ी खुश होती है क्योंकि उसने अपने लिए साइकिल का जुगाड़ कर ही लिया होता है। मीनल बस उस रात का इंतजार करती है और जैसे ही रात होती है और सब सो जाते हैं तो मीनल घर से निकलकर वहीं उन बूढ़े लोगों के घर के बाहर जाती है। आसपास एकदम शांति और अंधेरा होता है। मीनल चुपके से वहां से साइकिल खोलती है और लेकर चलती बनती है। वो साइकिल को अपने घर के पीछे छुपा देती है और उसे कपड़ों से ढक देती है। अब अगले दिन वो कॉलेज चली जाती है और साइकिल को चुपके से स्कूल ले जाती है। दिन में अब पीछे से उसके घर वही बड़ा आदमी और औरत आ जाते हैं। कहाँ है वो चोरनी? बाहर बुलाओ उसे। ये क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहे हैं, आपकी बेटी हमारे बेटे की साइकिल चुरा कर भागी है। कल वो हमारे घर के बाहर घूम रही थी और उसकी नजर इसी साइकिल पर थी। आज देखा तो साइकिल गायब, उसी ने चुराई है साइकिल। मीनल की माँ को कहीं न कहीं उन लोगों की बात सच लगती है क्योंकि मीनल को रेस के लिए साइकिल तो चाहिए ही होती है। वो लड़ने की जगह उन लोगों को शांत करती है, पर वो शांत ही नहीं होते। अब इतने में मीनल वहाँ साइकिल के साथ घर आती है। वहाँ उन बड़े लोगों को देखकर मीनल घबरा जाती है और उसकी साइकिल वहीं गिर पड़ती है। हाय राम चोरनी, यही है हमारे बेटे की साइकिल। तुझे शर्म नहीं आई हमारे मरे हुए बेटे की साइकिल चुराते हुए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग मीनल को खूब बुरा भला बोलते हैं। मीनल की माँ भी उसे जमकर डांटती है। उसके बाद तो ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग मीनल को साइकिल चोर बोलने लगते हैं। मीनल शर्म के मारे रोती हुई घर में जाती है। अब वो जब अगले दिन घर से निकलती है तो सब लोग उसे साइकिल चोर बोलते हैं और स्कूल में भी बच्चे उसे साइकिल चोर बोलने लगते हैं। हर जगह उसका नाम यही पड़ जाता है। काफी दिन हो जाते हैं और मीनल बहुत परेशान हो जाती है। वो एक दिन लोगों की बातें सुन सुनकर इतनी थक जाती है कि वो आत्महत्या ही कर लेती है। मरने के बाद मीनल एक चुड़ैल बन जाती है और उसके अंदर सभी लोगों के लिए बहुत गुस्सा होता है। अब मैं बताऊंगी साइकिल चोर क्या होता है। पहले तो तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया, पर इस बार तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। चुड़ैल बनकर मीनल यहाँ वहाँ गांव में घूमने लगती है और फिर जैसे ही उसे किसी की साइकिल दिखती है वो उसे चुरा कर चलाने लगती है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है साइकिल चलाकर, ये ये। पूरी रात साइकिल चलाने के बाद चुड़ैल उस साइकिल को नदी में फेंक देती है। अब अगले दिन वो आदमी अपनी साइकिल को बहुत ढूंढता है, पर उसे अपनी साइकिल कहीं भी नहीं मिलती। अब उसके बाद अगली रात भी चुड़ैल यही करती है। वो इस बार फिर से किसी की साइकिल चुराती है और पूरी रात चलाने के बाद उसे नदी में फेंक देती है। मरने के बाद तो साइकिल चलाने का और भी ज्यादा मजा है। चुड़ैल पूरी रात साइकिल लेकर घूमती और फिर से सुबह होने से पहले उसे नदी में फेंक देती है। अब धीरे धीरे लोगों की साइकिल गायब होने लगती है तो पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, कल मेरे पति की भी साइकिल चोरी हो गई। हमने तो मोती चेन से बांध रखी थी,
और सुबह देखा तो बस चेन पड़ी थी और साइकिल गायब। अरे भाभी जी, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ऐसे जाने कितने ही लोगों की यही कहानी होती है। अब तो लोगों को अपनी साइकिल बाहर रखने में भी डर लगने लगता है। उनको तो यही लगता है कि अगर उन्होंने साइकिल बाहर छोड़ी तो बस उनकी साइकिल गायब हो जाएगी। अब फिर रात होती है और चुड़ैल एक नई साइकिल की तलाश में निकलती है, पर इस बार उसे किसी के घर के बाहर कोई साइकिल नहीं दिखती। अब चुड़ैल साइकिल न मिलने पर बड़ी चिड़चिड़ा जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर सारी की सारी साइकिल गई कहाँ? वो बड़ा ढूंढती है पर उसे एक साइकिल नहीं मिलती। वो गुस्से में घूम ही रही होती है कि एक आदमी अपनी साइकिल पर गाना गाते हुए गुजर रहा होता है। चुड़ैल के चेहरे पर तो उसे देख मुस्कुराहट आ जाती है। चुड़ैल उस आदमी को एक धक्का मार कर नीचे गिरा देती है और उसकी साइकिल पर चढ़ बैठती है। वो आदमी जोर से चिल्लाता है, अरे राम रे, इसने मुझे धक्का दिया। कौन है तू जो मेरी साइकिल पर चढ़कर बैठ गई है? चुड़ैल अपनी मुंडी उस आदमी की तरफ घुमाती है तो वो आदमी वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह गांव के लोग उसके ऊपर पानी के छींटे डालकर उसे उठाते हैं। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, वो आदमी चुड़ैल चुड़ैल करता हुआ उठता है और लोग उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। अरे भैया क्या हो गया, कौन सी चुड़ैल देख ली तुमने जो यहाँ बेहोश हो गए? वो रात को आई थी, मेरी साइकिल चुरा कर भाग गई। वो साइकिल चोर चुड़ैल मेरी साइकिल भी ले गई। वो आदमी दूसरे गांव का होता है पर लोग उसकी बात सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं। अब उनको भी लगने लगता है कि सच में कोई साइकिल चोर चुड़ैल का ही ये सब काम है। अब लोगों को समझ नहीं आता कि वो उस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाएं और कैसे उसे पकड़े। एक काम करो, आज रात एक साइकिल घर के बाहर रख दो और चुपके से देखना कि सच में ये काम चुड़ैल का है या कोई चोर है। बस सब यही तरीका अपनाते हैं और एक साइकिल घर के बाहर रख देते हैं। रात होती है और सब सोने का नाटक करते हैं। चुड़ैल वहाँ आती है और साइकिल देखकर बड़ी खुश होती है। वो साइकिल उठाती है और उसे पूरे गांव में लेकर घूमती है। उसके बाद जब वो थक जाती है तो उस साइकिल को नदी में फेंक देती है और गायब हो जाती है। गांव वाले अब उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक बाबा को बुलाते हैं। अब एक ही तरीका है उस चुड़ैल को पकड़ने का। क्या बाबा? मुझे गाँव के बीचों बीच पूजा करनी होगी। जितनी भी बची हुई साइकिल है उनको पूजा में रखना होगा। वो चुड़ैल साइकिल के जरिए ही पकड़ में आएगी। बस फिर बाबा की पूजा शुरू होती है। गांव की सभी साइकिलों को वहां रखा जाता है। चुड़ैल चीखते चिल्लाते वहां आती है। किसने बुलाया मुझे? मैंने बुलाया तुझे। बता तू क्यों लोगों की साइकिल चुरा रही है? ये सब बंद कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ है तेरे साथ, बता मुझे। मेरा नाम मीनल है। मेरे कॉलेज में साइकिल रेस थी और मैं उसमें हिस्सा लेना चाहती थी, पर मेरे पास साइकिल नहीं थी। मैंने एक दिन किसी की साइकिल चुरा कर रेस में हिस्सा लिया तो लोगों को पता लग गया कि वो साइकिल मैंने ली है। बस लोगों ने आते जाते हर वक्त मुझे साइकिल चोर कहना शुरू कर दिया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने आत्महत्या कर ली, पर लोगों से बदला लेने के लिए मुझे आना ही पड़ा। तो तू क्या चाहती है, लोग तुझे साइकिल चोर चुड़ैल के नाम से पुकारे जिस नाम से नफरत थी तुझे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बाबा उस चुड़ैल को काबू में करने की बहुत कोशिश करता है। चुड़ैल कैसे भी काबू में नहीं आती, पर जब उसकी खुद की माँ उसके सामने आती है तो चुड़ैल एकदम शांत हो जाती है। माँ? हाँ तेरी माँ। तूने कभी सोचा मेरे बारे में? एक तो हम गरीब और तू हमें छोड़कर चली गई। लोग भी हमें हमेशा साइकिल चोर की माँ कहने लगे। जैसे तैसे लोग तेरे मरने पर सब भूले, पर आज तूने सब दोहरा दिया। एक काम कर, मुझे और अपने बाबूजी को भी मार डाल, क्योंकि तुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर हमको पड़ता है। तू हमें जीने देना चाहती है या नहीं? नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मैंने कभी आप लोगों के बारे में तो सोचा ही नहीं। मैंने सारी साइकिल नदी में फेंक दी है। सब निकाल लो, पर कोई मेरे माँ बाबूजी को कुछ मत बोलना। चुड़ैल इतना कहकर गायब हो जाती है। अब गांव के लोग इकट्ठा होकर नदी पर जाते हैं और जाल डालकर देखते हैं। जाल में जाने कितनी साइकिल फंसकर बाहर निकल जाती है। लोग अपनी अपनी साइकिल पाकर बड़े ही खुश होते हैं। उसके बाद चुड़ैल कभी वापस नहीं आती और कोई उसके माँ बाप को साइकिल चोर का माँ बाप कहकर नहीं बुलाता।